नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे मोमेंटम फंड्स को और बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं मोमेंटम फंड किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल परफेक्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा मोमेंटम फंड हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और कौन से ऐसे ही काम कर रहे हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें निपोन इंडिया लार्ज कैप, ठीक है, क्वांट मोमेंटम फंड से कंपेयर करूंगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी जो 200 मेनली जो ये फंड है, और मिड कैप से बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्वांट का मोमेंटम फंड 2-3% से लास्ट क्वार्टर में 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम पे बीट करता हुआ आ रहा है निपोन लार्ज कैप को, और सेम काम कर रहा है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ बीट किया लेकिन लास्ट क्वार्टर में 0.5% पीछे रह गया, इतना अच्छा चल रहा था और फिर यहाँ पे सीधा 1% का डिफरेंस आ गया। तो चलिए अब हमारे पास कौन कौन से मोमेंटम फंड हैं इन पे ध्यान देते हैं। मेनली जो फंड है ना हमारे पास वो ये वाले हैं, यानी कि 200 में से 30 का एक इंडेक्स बनाया जाता है, 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ये सारे सेम फंड हैं। ठीक है, इस तरह के फंड से अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें मेनली 30 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख सकते हैं 30 हैं, और टॉप 10 स्टॉक्स में ही 50% पैसा डाल दिया जाता है, और जो लार्ज कैप का है लार्ज कैप में 85% पैसा, नॉर्मली कैटेगरी एवरेज 93% पैसा इसी में डालते हैं। ठीक है, अभी और थोड़ा सा नीचे जाके मैं अगर आपको चेक करूँ तो ये चर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल में जैसे पूरा, मतलब अब देखो मोमेंटम फंड है तो ऑब्वियसली बात है चर्निंग हाई होगी, तो सारे के सारे ये नए फंड बाय किए। ठीक है, और सारे के सारे ये नए फंड निकाल दिए। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये मोमेंटम फंड को अगर मैं कंपेयर करूं जो सारे के सारे 62 से 66 की रेंज में रिटर्न दे रहे हैं, वो मोस्टली केसेस में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले फंड को बीट नहीं कर पा रहे, या कोई भी निफ्टी नेक्स्ट 50 उठा लो। और लास्ट क्वार्टर में तो कोई भी फंड, सब फंड के मोमेंटम फंड के 10% रिटर्न है, कोई भी डीएसपी इक्वल वेट या फिर इसको या निपोन इंडिया लार्ज कैप को बीट नहीं कर पा रहे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर एक क्वार्टर का नहीं देखना चाहिए, भाई जब तुमने एक क्वार्टर देख के बाय कर लिया था तब तो ये सवाल नहीं करा था कि एक क्वार्टर देख के बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप एक क्वार्टर देख के सेल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बायस। ठीक है, आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दे रहे हैं और ये बहुत बढ़िया फंड है, जबकि असलियत ये है कि एक तरह से एक स्ट्रेटजी होती है मोमेंटम जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, मना नहीं कर रहा, लेकिन अपना पोर्टफोलियो इससे भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, लार्ज कैप में तो चलो बराबर की टक्कर दे रहा है, बीट कर भी देगा, हमने ले लिया लार्ज कैप पोर्शन में, ठीक है 10-15%। अब दूसरा पोर्शन देखो, क्या मिड कैप फंड हमारे एक्टिव मिड कैप को कंपेयर, हमारे एक्टिव मिड कैप को कुछ कर रहा है? देख लो, ये मिड कैप है मोमेंटम वाला और ये एक्टिव मिड कैप है। लास्ट 1 ईयर में चलो ठीक है 1% का डिफरेंस है, लेकिन ये लास्ट 6 मंथ में कंपैरिजन देख लो, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, समझ आ गया। थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, अगर मैं स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करूँ जो ये आया है मिराई एसेट का निफ्टी 50, तो ना तो वो फ्रैंकलिन को बीट कर पा रहा है ना महिंद्रा को बीट कर पा रहा है, और जब क्वांट अपना वापस रूप दिखाएगा चलेगा तो क्वांट से तो बहुत दूर रह जाएगा ये। तो सिंपल सा लॉजिक है, अब वीडियो की समरी बता देता हूँ आपको करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप लार्ज कैप पोर्शन में ले रहे हो तो एक स्ट्रेटजी का फंड 15% से ऊपर मत लो, 10-15% बहुत है इसको आप रख रहे हो तो। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अवॉइड करो। तीसरी मेन चीज़ क्या है, आपको अगर कुछ ऐड भी करना है इस तरह के उल्टे सीधे फंड आप ऐड कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि सब एक ही तरह के फंड्स ऐड कर लिए जाते हैं, तो एक तरह के फंड्स ऐड मत करा करो। ठीक है, और ये मैं लार्ज कैप में सिर्फ 15% डालने को नहीं बोल रहा, बाकी एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप से ले लेना है या किसी मल्टी कैप से ले लेना है, और नंबर ऑफ फंड्स मेरे हिसाब से 5 से 7 से ऊपर मत जाने दिया करो। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा कि क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।